जय हिंद दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है एनसीटीई की तरफ से। एनसीटीई ने सभी राज्यों को ज्ञापन भेजा, एक पत्र भेजा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नोटिस जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर ये कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय शैक्षिक शिक्षा परिषद के हवाले से ये खबर आ रही है और इसमें एनसीटीई ने सब जितने भी राज्य स्तरों को पत्र भेजकर कुछ बिंदुओं से अवगत कराया है और उसकी जानकारी जो है वो प्रदान की है। इस वीडियो के माध्यम से सभी जानकारी आप लोग के साथ साझा की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी भी लाभकारी रहे तो अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बीएड के लिए प्राथमिक शिक्षक बनने का रास्ता सर्वोच्च न्यायालय की ओर से पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। ऐसे में अभी तक का सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस पर एनसीटीई क्या विचार कर रही थी। अगर तथ्यों की बताएं तो ये पहले ही क्लियर हो चुका है कि एनसीटीई भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही मानने के लिए तैयार है। अब वही बात सच हुई है क्योंकि एनसीटीई ने सभी राज्यों के संबंधित विभागों को पत्र भेजा है जिसमें बीएड को पूरी तरीके से प्राथमिक से बाहर करने के आदेश दे दिए गए हैं। एनसीटीई ने लिखा है कि समस्त विभागों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अंतिम फैसला ही मानना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक के लिए बीटीसी, बीएसटीसी, डीएलएड को ही पात्र माना है। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटीई का गजट जो है वो खारिज कर दिया है। इसके साथ ही आपको महत्वपूर्ण जानकारी ये बताऊंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटीई द्वारा याचिका डाली गई थी जिसमें बीएड को प्राथमिक में योग्य माना जाए। इसके लिए एनसीटीई ने कहा था कि बीएड के बाद अगर 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करा दिया जाता है तो इसे वैलिड मान लिया जाए, किंतु सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी के जो ये गजट था इसे सिरे से खारिज कर दिया और अब एनसीटीई ने कोर्ट के फैसले को मानते हुए सभी राज्यों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानने के लेकर पत्र भेजा है। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी एजुकेशन जगत की। सभी छोटी बड़ी अपडेट्स आपको सबसे पहले देने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें, नोटिफिकेशन बेल दबा के रखें जिससे कोई भी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचने से रह ना जाए। जय हिंद, जय भारत।